नमस्कार मित्रों, आज है 23 जून 2019। तो आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर नज़र डालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं ISPCSSSC क्लासेस। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन मित्रों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक तुरंत मिल जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। आज है 23 जून 2019 और आज का करंट अफेयर्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक रन खर्च करने वाले गेंदबाज कौन थे? तो इसका सही आंसर है राशिद खान। गुथी बिल ये किस देश से संबंधित है? तो ये नेपाल में अभी हाल ही में गुथी बिल एक प्रकार का लगाया गया है, तो ये नेपाल से रिलेटेड है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद में भारत का प्रतिनिधि किसे बनाया गया? शेफाली जुनेजा। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद में भारत का प्रतिनिधि किसको बनाया गया? शेफाली जुनेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICANN इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स का मुख्यालय कहाँ है? तो ये सही आंसर है लॉस एंजेल्स। भारत ने नाइजर को अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन हेतु $15 मिलियन की सहायता प्रदान की है, ठीक है। अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन कहाँ होना है? नाइजर में। तो इंडिया ने उसकी हेल्प की है $15 बिलियन देकर। कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड ये किसको दिया गया है? कॉमनवेल्थ मीन्स राष्ट्रमंडल सचिव पत्रकारिता, ठीक है, और इनोवेशन फॉर सतत विकास से संबंधित जो पुरस्कार दिया गया है वो नितेश कुमार जागिड़। किसको दिया गया है? नितेश कुमार जागिड़ को। इसके बाद आइए देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में ग्रेफाइट उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो तमिलनाडु, फिर इसके बाद उड़ीसा, फिर झारखंड, केरल, ठीक है। ग्रेफाइट टू तमिलनाडु उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GSI भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भारत सरकार के खान मंत्रालय के अधीन एक संगठन है, इसकी स्थापना 1851 में कोलकाता में हुई थी। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट एक गैर धातु है, धातु नहीं है ये, और ये विद्युत का चालक है और ये कार्बन का अपरूप भी कहलाता है। भारत में ग्रेफाइट के भंडार हाल ही में सबसे ज़्यादा कहाँ मिले? 35% के आसपास अरुणाचल प्रदेश में प्राप्त हुए हैं। विश्व वर्षा वन दिवस कब मनाया जाता है? 22 जून को। भारत का प्रथम हाथी अस्पताल कहाँ खोला गया है? मथुरा, UP। 35वीं पुरुष एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2019 ये कहाँ हुई थी? दोहा में। इसको किसने जीता? पंकज आडवाणी, जो कि स्नूकर खिलाड़ी है। इसके बाद आंध्र प्रदेश के CM कौन है? जगन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के CM जगन रेड्डी और तेलंगाना के CM चंद्रशेखर राव। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, ठीक है, और गोदावरी 5 राज्यों से होकर बहती है। छू मैट यानी CHH ये है छत्तीसगढ़, और यू उड़ीसा, फिर M महाराष्ट्र, A आंध्र प्रदेश और T तेलंगाना, ठीक है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है गोदावरी नदी। इसके बाद है, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? 2015 में। इसके बाद 60 मीटर से अधिक दूरी तक फेंकने वाली भारत की पहली महिला भाला खिलाड़ी कौन है? अन्नू रानी क्या है? भाला खिलाड़ी हैं। आयुष मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? 2014 है। योग के प्रचार के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार विजेता कौन है? राजर्षि मुनि। ये किस संस्थान से जुड़े हैं? लाइफ मिशन गुजरात, ठीक है, राजर्षि मुनि, लाइफ मिशन गुजरात। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी आपसे नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।